तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे बोलता आ रहा हूँ कि जैसे ही रियलमी एक्स की यहाँ पर मैं जो रेगुलर अपडेट आपको दे रहा हूँ, और जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है तो उसके बारे में आपको जरूर से बताता हूँ, अपडेट देता हूँ। तो देखिए, अभी जो रिसेंटली अपडेट आई है वो आई है एक्चुअली 28 अप्रैल को यहाँ पर जो मिलना स्टार्ट हुई है, और 29 अप्रैल को वेबसाइट पर ऑफिशियली यहाँ पर फिर अपलोड किया गया उस अपडेट को, जहाँ से आप मैनुअली डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक अपडेट आई है जिसमें कि आपको अप्रैल का सिक्योरिटी पैच और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिली हैं। तो इसी वीडियो में ही बताऊंगा आपको कैसे आपको अपडेट करना है, क्या कुछ नया यहाँ पर रियलमी ने दिया है और कैसे आपको यूज़ करना है। तो देखते रहे आप वीडियो, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कैसे आपको जो अपना रियलमी एक्स है वो अपडेट करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको सेटिंग में जाना है और सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना है। यहाँ एक न्यू वर्जन आपका डिटेक्ट होगा। तो मैं आपको बता दूं, मेरे को अभी ये ऑफिशियली यहाँ पर ऑटो अपडेट नहीं मिली है, तो इसलिए मैंने वेबसाइट पर गया रियलमी एक्स की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 29/4 यानी कि 29 अप्रैल को अपडेट मिली है 3.17 GB की। ये मैंने पूरी डाउनलोड की है यहाँ पर, और इसको मैंने इंस्टॉल करूँगा एक्सटर्नली बाहर से। इसमें अपडेट लोग आप देख सकते हैं क्या कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच आपको अप्रैल का मिल जाएगा, जिसमें कि कुछ आपको चार्जिंग एनिमेशन दिए गए हैं, एक नई चीज़ ऐड करी गई है डॉक वॉलेट आईडी फीचर, और ऑप्टिमाइज एक ऑडियो क्वालिटी ऑप्टिमाइज़ करी गई है। मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में जो आवाज़ है सॉन्ग्स वगैरह की, उसको क्लियरली सुनने में कभी कभार को प्रॉब्लम कर रहा था। कुछ नीचे फिक्स हैं, जो इशू वगैरह हैं उनको फिक्स करा गया। अब देखिए कैसे करना है आपको एक्सटर्नली, वहाँ से तो आप ओटा को सिंपल कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें फाइल मैनेजर में जाना है, और जो आप फाइल वहाँ से डाउनलोड करेंगे उसको आपको बाहर यहाँ डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है, नीचे देख सकते हैं आप, और अपग्रेड नाउ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो फ़ोन है वो रिस्टार्ट होगा। इसके लिए आपको कुछ टाइम लग सकता है, तो आपको ईजिली से रिस्टार्ट होने देना है। सो गाइज, मेरा जो फ़ोन है वो स्टार्ट हो चुका है। लगभग इसने 5 से 7 मिनट यहाँ पर यूज़ किए हैं मेरे। तो इसको चलिए ओपन कर लेते हैं, और एक बार वापस से सेटिंग में चलते हैं, और यहाँ पर वापस से चलते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट में। और देखिए, ऊपर ही एक फिनिशिंग सिस्टम अपडेट का जो नोटिफिकेशन है वो देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर जो मेरा वर्जन देख सकते हैं आप 11-C.03 लेटेस्ट अपडेट जो फ़ोन है मेरा वो हो चुका है। और काफ़ी यहाँ पर इसमें कुछ ज़्यादा नया है नहीं, लेकिन मेरी जो फिनिशिंग चल रही है अभी सिस्टम अपडेट की, जहाँ पर कि मुझे चार्जिंग एनिमेशन वगैरह देखने के लिए मिलेंगे, और जो सिक्योरिटी पैच है वो अप्रैल का मुझे मिल गया है। और देखते हैं बाकी नेक्स्ट अपडेट में क्या मिलने वाला है। और आप अब सिंपली अपने फ़ोन को अपडेट कर सकते हैं ओटा के थ्रू, या फिर वेबसाइट से जो कस्टम डाउनलोड करके उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही था एक छोटा सा यहाँ पर अपडेट रियलमी की एक्स की तरफ से, जिसमें कि आपको सिक्योरिटी पैच वगैरह और छोटी मोटी चीज़ें इम्प्रूव करी गई हैं, बग्स को फिक्स कर गया है। और देखते हैं आने वाले टाइम में क्या कुछ यहाँ पर नया देखने के लिए मिलेगा हमें रियलमी की तरफ से, और क्या कुछ चेंजेस आते हैं रियलमी UI में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी भी कोई सवाल है वीडियो से रिलेटेड, या फिर अपडेट से रिलेटेड, या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है अपने फ़ोन में, तो उसको आपको कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन यहाँ पर देने की जो कोशिश करूँगा। और मिलते हैं आने वाली एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।